इस महीने का स्टार्ट हुए ऑलरेडी 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब बस इसी बात पे मैं लेकर गया हूँ आप लोगों के लिए एक नहीं पांच नहीं बल्कि 10 ब्रांड न्यू एंड्रॉइड गेम्स जिनकी ग्राफिक्स कमाल की होंगी, शानदार स्टोरी लाइन मिलेगी, कुछ गेम्स के अंदर हॉरर एलिमेंट होंगे और कुछ रेसिंग गेम्स होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी गेम रैंकिंग के हिसाब से रेंज नहीं है, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी गेम्स धमाकेदार होंगे, चाहे फिर वो फर्स्ट गेम हो या फिर 10th। और हाँ, लास्ट गेम सच में इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ चलिए बात करें फर्स्ट गेम की, तो वो है वोर्टेक्स 9। वेलकम शूटिंग गेम फैंस, एक एक्शन पैक्ड एंड स्ट्रेंज यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को सामना करना होगा डीमन गर्ल और बोलते हुए रोबोट्स का। आई नो ये सुनने में थोड़ा वियर्ड है, लेकिन यहाँ आप लोगों को कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन नो वरीज, क्योंकि हर प्रकार की वेपन्स हम लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनको लेकर के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैप्स के अंदर ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे। जी हाँ, गेम का साइज है 270 MB, गेम ऑनलाइन है और यहाँ पर हमें 8 अलग अलग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और इसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स होने वाले हैं, जैसे कि टीम बैटल, डेथ मैच सोलो और कैप्चर पॉइंट। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम की जो ग्राफिक्स हैं वो भी कमाल की होंगी। और ये तो जस्ट शुरुआत है मेरे भाई, भी काफी धमाकेदार गेम्स आने बाकी हैं, जैसे कि डिसेंडर्स। एक बाइक उठाइए, एक टीम चुनिए और निकल पड़िए डिसेंडर बनने की जर्नी पर। जी हाँ, डिसेंडर्स जो कि एक पीसी एंड कंसोल टाइटल है, लेकिन अब फाइनली ये मोबाइल पर भी आ चुका है। वो जाहिर सी बात है कि इसकी ग्राफिक्स कमाल की होंगी और गेम का साइज है 2.4 GB, गेम ऑनलाइन है और यहाँ पर आप लोगों को हर बार कुछ नया ट्राई करना होगा, जैसे कि अलग अलग टाइप के स्टंट्स को करना, डिफरेंट जंप्स को अटेम्प्ट करना, चाहे फिर वो फ्रंट फ्लिप हो, बैक फ्लिप हो या फिर हो 360, क्योंकि वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, यानी कि जितना ज्यादा आप लोग रिस्क लेंगे उतने ही बड़े मैसिव कॉम्बोस एंड रिवॉर्ड्स को अर्न कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को फ्री स्टाइल कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आप जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही कंट्रोलर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और हमारा थर्ड गेम है स्नाइपर ज़ॉम्बी 2। इस क्राइम सिटी में आपका स्वागत है और मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को स्नाइपर चलाना कितना ज्यादा पसंद है, तो ये लीजिए एक ब्रांड न्यू स्नाइपर गेम। जी हाँ, इसका साइज है 360 MB, गेम ऑफलाइन है और यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन मोड्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 100 से भी ज्यादा चैलेंजिंग मिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनके अंदर सिनेमैटिक्स भी आएंगे और 20 से भी ज्यादा पावरफुल गन्स होंगी। और इसी के साथ साथ आप लोग हर बार एक डिफरेंट मैप्स के अंदर जाएंगे, जहां पर डिसेंट ग्राफिक्स होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ बात करते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर्स की, जो की है सी ऑफ डेथ्स। ये काफी इंटरेस्टिंग सा पजल और एडवेंचर बेस्ड गेम है, जिसके अंदर आप लोगों को डरावनी खतरनाक पजल्स और साथ ही में मजेदार पजल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि एस्केप रूम, यानी कि अगर यहाँ पे कोई गलत चॉइस आपने ली तो आप सीधा मर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस गेम के अंदर आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं, जो कि मल्टीपल एंडिंग्स को रिवील करेंगे, यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है, जिसके अंदर मिस्टीरियस स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं। हर एक लेवल अपने आप में एक्साइटिंग पजल लेकर के आता है, जिसकी कुछ ना कुछ अलग से ही कहानियां होंगी। इसी के साथ में गेम डेवलपर्स ने गेम के इंटरफेस को काफी सिंपल रखा है, जिससे खेलने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। अगर आपको ये गेम अच्छा लगा हो तो डाउनलोड लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए गेम को ट्राई कीजिए। और जब बात शूटिंग गेम्स की चली रही है, तो चलिए बात करते हैं हमारे फोर्थ गेम की, जो कि है बैटल फोर्सेस। ये एक रियलिस्टिक फर्स्ट पर्सन शूटर होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 4v4 या फिर 5v5 बैटल्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसका साइज है 830 MB और ये गेम ऑनलाइन है। मजे की बात तो ये है कि यहां पर आप लोगों को साइबरपंक स्टाइल का वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं और हर एक कैरेक्टर के पास अपनी खुद की यूनिक स्पेशल एबिलिटीज होंगी। और ये तो कुछ भी नहीं, गेम आप लोगों को तगड़ा एक्शन, डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट और रियलिस्टिक फिजिक्स ऑफर करता है। और इसी के साथ गेम का जो वर्ल्ड है वो भी हाईली डिटेल्ड रहेगा, यानी कि जो विजुअल्स हैं वो भी कमाल के होंगे। और ये लीजिए, देखते ही देखते हम लोग आ पहुंचे हमारे फिफ्थ गेम की तरफ, जो कि है रियल क्रिकेट 22। जी हाँ, फाइनली रियल क्रिकेट 2022 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो के सभी गेम्स के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो यार हम इंडियंस के अंदर क्रिकेट का इतना बड़ा कीड़ा है और उसके विपरीत क्रिकेट गेम्स काफी कम ही लॉन्च होते हैं और उनमें से भी अच्छे क्रिकेट गेम्स को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि रियल क्रिकेट 2022 एक अच्छा क्रिकेट गेम है, जहां पर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और रेस्पॉन्सिव कंट्रोल्स के चलते ये आप लोगों को एक बेटर गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है।
और अभी हाल ही में एक नया गेम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है टोटल असॉल्ट ज़ॉम्बी मैसेकर। अच्छा, अभी ना ग्लोबल क्राइसिस होने वाला है जहां पर ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट्स एंड मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं और उनका सफाया करने के लिए भेज दिया गया है मिलिट्री फोर्स को। और याद रखें, आप लोगों को हमला पहले करना होगा, यानी कि स्ट्राइक फर्स्ट और डाई लास्ट। गेम का साइज रहेगा 200 MB और ये गेम ऑफलाइन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग चुनिंदा फाइटर्स को सिलेक्ट करेंगे और एक टीम बनाएंगे अल्टीमेट ज़ॉम्बी हंटर्स की और उसके बाद मारने निकल जाएंगे उन लिविंग डेड्स को। इसी के साथ में आप लोगों को रैगडॉल फिजिक्स और ढेर सारे मिशंस भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि बेस डिफेंस, सिविलियन प्रोटेक्शन, स्क्वाड असॉल्ट और कवर शूटर। और यार बहुत हो गई शूटिंग 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 गेम्स की बात, चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं जैसे कि हॉरर। जी हाँ, हमारा 7th गेम निकल करके आता है फियर सराउंड। स्वागत है आप सभी लोगों का 3D हॉरर सोशल डिडक्शन गेम में। अगर ये टर्म्स आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो आइए समझाता हूँ। देखो यार, ये 800 MB का अप टू 15 प्लेयर्स का ऑनलाइन मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है जहाँ पर आइदर आप लोग ट्रेवलर्स बनते हैं या फिर स्पेक्टर्स, यानी कि खेल रहे सभी लोगों में से कोई एक बंदा बनेगा स्पेक्टर जिसका काम रहेगा सारे के सारे अच्छे लोगों को मार गिराना। और सभी गुड गाइस का मकसद यही रहेगा कि पता लगाना आखिर स्पेक्टर कौन है। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अमंग अस वाली फीलिंग प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर आप लोगों 3D हाई ग्राफिक्स वाला गेम पे एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर सब लोग ग्रुप मीटिंग्स करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किलर कौन था। और किलर अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है और छुपा रहना चाहता है, यानी कि गेम का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और खेलने में भी मजा आएगा। और इसी बात पे चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट गेम की जो कि है डेविल वॉर्स 3D। यह एक साइंस फिक्शन फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसमें आप लोगों को बिना सोचे बिना रुके बस मारते ही चले जाना है। जी हाँ, 450 MB का ये गेम जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन है और ये गेम अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करता है। हर मोड पर एक नया विलन, एक नया डीमन आपका इंतजार कर रहा है जिसको मारने के लिए आपके पास में शानदार वेपन्स हैं, यानी कि तबाहीदार एक्शन और डोम इटर्नल जैसा गेम प्ले एक्सपीरियंस मोबाइल पर मिलेगा। और अब वक्त है हमारे सेकंड लास्ट गेम का जो कि है स्नो माउंटेन ड्रिफ्ट। पूरी की पूरी वीडियो अपने अंत तक आ पहुंची है लेकिन अभी तक किसी ने रेसिंग गेम्स की बात ही नहीं करी। क्या ऐसा हो सकता है भला? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं स्नो माउंटेन ड्रिफ्ट गेम की, जिसका साइज है 340 MB। ये गेम ऑफलाइन है और आप लोगों को एक तगड़ा ड्रिफ्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। गेम के जो विजुअल्स हैं वो डिसेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग रेसिंग ट्रैक्स मिल जाएंगे और ढेर सारी गाड़ियां चलाने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ में सिंपल कंट्रोल्स, रियलिस्टिक फिजिक्स और बार बार बदलते वेदर कंडीशंस इस गेम को खेलने लायक बनाते हैं। और लास्ट गेम की बात करने से पहले, अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो आप हैं हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स और ऐसे प्राइम मेंबर ही आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब कि चैनल को ओवरऑल सपोर्ट करें। लास्ट गेम की बात करें तो वो है प्रोजेक्ट ईवो। प्रोजेक्ट ईवो वो पहला सर्वाइवल गेम है जिसको अनरियल इंजन 5 के ऊपर बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर दुनिया खत्म हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही है और इस ओपन वर्ल्ड गेम में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है जिंदा रहना, क्योंकि यहाँ मौजूद हर कोई चीज आप लोगों को मरा हुआ देखना चाहती है। चारों तरफ खतरा आपका इंतजार कर रहा है और आपको रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए। तो थोड़ा सा वॉन्डर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपनी सराउंडिंग्स को और जरूरी सामान को लेकर के आइए ताकि रहने लायक शेल्टर बना सके, टूल्स को क्राफ्ट कर सके और दुनिया से भिड़ सके। इस गेम का साइज है 2 GB और गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। इस वास्ट ओपन वर्ल्ड दुनिया में आप लोगों को डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, स्नो फील्ड्स, माउंटेन और गोस्ट टाउन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, इस गेम का जो मैकेनिक्स है, जो कंट्रोल सिस्टम है वो काफी इम्प्रूव्ड है और अनरियल इंजन 5 की वजह से इस गेम के विजुअल्स अपने आप में ही शानदार है। सो बस, अगर आप एक लंबे समय से कोई अच्छा ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम ढूंढ रहे थे तो आपका आंसर आप लोगों की आंखों के सामने है। सो बस मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो जुड़ जाइए इस परिवार के साथ। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए प्रोटेक्ट।